हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एडुशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीवीटी आईटीआई का एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में कंडक्ट होना है, तो जो भी परीक्षाएं हैं वो आपका जुलाई और अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे सभी स्टूडेंट जो 2021 में एडमिशन लिए थे उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, और जो 2022 में एडमिशन लिए थे या तो एक साल वाले कोर्स हो या तो दो साल वाले कोर्स हो, उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये आपका वीडियो है कि अगर आपने अभी तक कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कॉलेज में क्लास करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं करते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे टीचर की कमी है, तो पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो आप सभी परेशान रहते हैं कि लास्ट टाइम में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, तो अब लास्ट टाइम में हम आप पूरा सिलेबस भी नहीं कवर पाएंगे। तो इस लास्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ाई करना है कि जो भी एग्ज़ाम है आपका, आपको पता है कि वो एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन रहेंगे, उसके चार ऑप्शन रहेंगे, उसी में आपको टिक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट टाइम में कि आप अच्छे से जो भी पेपर होंगे उनमें क्वालिफाई कर जाए, पेपर में अच्छे से पास हो जाए और आपका रिजल्ट अच्छा हो, फेल ना हो पाए, क्योंकि फेल होने के बाद इसमें आपका बैक पेपर आसानी से नहीं हो पाता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है, तो आपको दो साल की जगह तीन साल चार साल लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़े इस लास्ट समय में कि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्लियर हो जाए। कुछ PDF है, उस PDF को मैं बताऊँगा, आपको दूँगा कि कैसे आपको वो पढ़ना है और कौन कौन से PDF आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक होगा। ये आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पे आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो 3 से 7 के बीच में आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आपको 2-3 दिन पहले मिल जाएगा, उसी डेट में आपको एग्ज़ाम जाके अपियर होना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपका 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में अलग अलग डेट का अलग अलग डेट में होगा, तो वो एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका किस डेट में एग्ज़ाम है। तो ये हो गई डेट की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा। ITI में जितने भी ट्रेड चलती है, लगभग 150 ट्रेडें हैं, सभी ट्रेड के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, सभी का सिलेबस अलग है, सभी का पैटर्न एग्ज़ाम का दो है, एक है जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है उनका पैटर्न अलग है, जो टेक्निकल ट्रेड है उनका पैटर्न अलग है। तो आपको PDF कहाँ से मिलेगा, PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल में आपको भारत स्किल, ठीक है, भारत स्किल आप टाइप करेंगे तो भारत स्किल का एक आपका सबसे ऊपर वाला जो लिंक है वो ये ओपन करेंगे। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इसका भारत स्किल का जो होम पेज का वेबसाइट है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे इंग्लिश है और हिंदी है, जिसमें आप सुटेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को। इसमें दो है आपका ऑप्शन, एक CTS है, एक CITS है, उसके बाद अप्रेंटिस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये CTS है, ये ITI के लिए है, और जिस CITS है वो CTI कोर्स, जो ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो कोर्स होता है एक साल का, वो कोर्स है। तो आपको जो ITI वाला स्टूडेंट है वो CTS देखना है, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप जिस ट्रेड से रिलेटेड है उस ट्रेड का आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप फिटर ट्रेड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है, वेल्डर से है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो आप उसी ट्रेड का इसमें सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेल्डर का स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप वेल्डर सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप वेल्डर सर्च करेंगे तो इस तरह आपका बहुत सारा वेल्डर का ऑप्शन खुल जाएगा। तो वेल्डर जो सिंपल सबसे पहला वाला है जिसमें आपको बस वेल्डर लिखा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आपको जो भी बुक है बुक्स मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में जाना है। तीसरा नंबर जो है ये आपका क्वेश्चन बैंक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो ये आपका वेल्डर फर्स्ट सेमेस्टर, वेल्डर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। मतलब एक साल का कोर्स है तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा ये आपका। तो ये 2 PDF हो गए, और तीसरा आपका ये फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयल्टी स्किल, और ये सेकेंड ईयर का है। तो वेल्डर एक साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर का, यानी आपको 3 PDF डाउनलोड करने हैं, ये वेल्डर फर्स्ट सेमेस्टर, वेल्डर सेकेंड सेमेस्टर और एम्प्लॉयल्टी स्किल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका PDF डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही आपको डाउनलोड हो गया तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन दिए, लगभग 250 से 300 के बीच में हर एक ट्रेड का क्वेश्चन है। तो 2 PDF हो गए। अगर 2 साल वाले कोर्स हैं उनका
फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और एम्प्लॉयल्टी स्किल के लिए वो सेकेंड ईयर का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो इसमें आप जैसे ही देखेंगे अलग अलग आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे, जैसे आप देखिए कि विच मेटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉलिड ड्रॉन स्टील होता है। इसमें उसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो नोजल बनाने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर इसमें आपको हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सबसे लास्ट में आपको इसका आंसर दिया है। जैसे इसमें देखिए टोटल 236 क्वेश्चन है, उसी तरह दूसरा भी पीडीएफ है, उसमें भी अप्रोक्स 250 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद ये एम्प्लॉयल्टी स्किल का है। तो एम्प्लॉयल्टी स्किल है वो आपका इंग्लिश में दिया गया है, कुछ ऐसे है जो हिंदी में भी दिया गया है। तो इसमें जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज दिया गया है, आपका लेसन का नाम दिया गया है कौन कौन से लेसन है, और उसका क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए व्हेन इज़ कैपिटल यूज, ठीक है, कैपिटल लेटर का हम यूज़ कब करते हैं, बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, ऑल ऑफ दिस, चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन में यहाँ आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी आपको 250-300 क्वेश्चन है, तो ये टोटल आप याद कर जाइए। अगर ये सभी आप याद कर जाते हैं, अगर ट्रेड है जिस ट्रेड से आप रिलेटेड है उस ट्रेड का थ्योरी का आपको दो पीडीएफ हो जाएगा, एक साल का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर वाले के लिए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, और एक आपका एम्प्लॉयल्टी स्किल। अगर ये तीन पीडीएफ अगर अच्छे से आप पढ़ जाते हैं तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता, आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोले कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो ये आपका एक साल वर्ष वाला कोर्स हो गया। और अगर उसी तरह 2 साल वाले कोर्स का कोई चाहता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे इसको आप डिलीट कर दीजिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे फिटर फिटर है, फिटर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है। क्वेश्चन बैंक में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं वो ये दोनों डाउनलोड करेंगे, और जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का डाउनलोड करेंगे। और आपको नीचे एम्प्लॉयल्टी स्किल, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयल्टी स्किल, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयल्टी स्किल का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और इसी से आप लोग पढ़ाई करेंगे। और जो भी ट्रेडें हैं, और भी अदर अलग ट्रेडें हैं, जैसे गर्ल्स के लिए ट्रेड है, फैशन डिज़ाइन है आपका, तो वो सभी भी इसी में सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बैक करके आप यहाँ पे जैसे फैशन है तो FASHION फैशन डिज़ाइन आप सर्च करेंगे, देखिए फैशन डिज़ाइन का ट्रेड आ गया। फैशन डिज़ाइन ट्रेड में सबसे पहले आप ऊपर में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे क्लिक कर देंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर एम्प्लॉयल्टी स्किल है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और आपका एम्प्लॉयल्टी स्किल का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो आप ये डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई किए हैं शुरू से, हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाई किए हैं, तो आप क्या करना है कि पूरा पढ़ाई करने के बाद आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर जाए अच्छे से एक दो बार, तो आपका सभी डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन भी पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन को याद भी कर लेंगे आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि आपको ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने अपने ट्रेड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।